देखो दोस्तों, ये गुलगुले कितने अच्छे तैयार हुए, मतलब कितने सॉफ्ट है। दो अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची है, देख सकते हैं आप। बहुत सॉफ्ट रहते हैं और बहुत टेस्टी रहते हैं। अब इसको बनाने का तरीका अपन जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुक विद पटेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नसरीन सुल्ताना। आज हम बनाने वाले हैं मीठे गुलगुले। मीठे गुलगुले के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो ये है: 2 कटोरी आटा, जो गेहूं का आटा है, 1 कटोरी सूजी रवा है ये, 2 कटोरी शुगर, थोड़ी ड्राई फ्रूट्स, तिल, 2 चम्मच तिल, सोडा, थोड़ा सा सोडा है, और इलायची पाउडर। अब पानी, अब इसको अपन मिक्स कर लेंगे। सोडा, इलायची पाउडर, तिल, ड्राई फ्रूट, ये सब डाल के अच्छा मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छा मिक्स करके अपन 2 घंटों के लिए भीगने रख देना है। इसको अच्छे होते हैं गुलगुले। पूरा अच्छा मिक्स करके इस पर पानी डालना। पानी डाल के अच्छा मिक्स करेंगे अपन। इसको मिक्स करके 2 घंटों के लिए छोड़ देना, अपन रेस्ट देना इसको 2 घंटों के लिए। अब इसमें थोड़ा चुटकी भर नमक भी ऐड करेंगे अपन। अब ये इस तरह से मिक्स कर लेना इसको। मिक्स करके 2 घंटों के लिए रेस्ट देना। ये अच्छा मिक्स हो गया, इसको साइड में रख देंगे। दो घंटों के बाद मैरिनेट होके ऐसा होगा मैटर पूरा, और ये शुगर पूरा ऐसा घुल के ऐसे होते हैं। अब तलने के लिए रेडी होगा ये। स्मेल डालेंगे। ऑयल गरम है, बस गुलगुले तलेंगे। अब तेल गरम हो गया, अपन गुलगुले डालेंगे। सिलान पे तलना, सिल पे। निकाल
बहुत घट हो गया मैटर तो थोड़ा पानी डाल के ऐसा मिक्स करते हुए डालना अपन तो अच्छे आते हैं। थोड़ा पानी ऐड करना है इसमें डालते हो। जो आटा सूजी जो मिक्स होता उसके से बहुत टेस्ट आता। ये थोड़े ठंडे के बाद अच्छे दिखते हैं, गर्म के होते फास्ट में दिखते हैं, थोड़ा ठंडा के बाद अच्छा बहुत अच्छा दिखता है। इतने बैटर में इतने गुलगुले बन के तैयार हो गए, पूरे गुलगुले रेडी हो गए। इसको अब अपन सर्व करेंगे। ये गुलगुले बन के तैयार है। अब आप इसको देख सकते हैं कितने क्रंची बने ये, देखिए आवाज़ सुनिए, मतलब बहुत क्रंची बने हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी रहते हैं। मैं इसको तोड़ के दिखा दिया आपको, देखो बहुत अच्छे तैयार हुई। बाहर से जितने क्रंची है अंदर से उतने सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये गुलगुले बनकर तैयार है। अगर मेरी ये डिश आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसी बनी मैं कमेंट में ज़रूर बताइए। सो हेलो व्यूवर्स, ये थी मीठे गुलगुलों की रेसिपी जो हैदराबाद में बहुत बनते हैं और ये था फर्स्ट डेजर्ट इस चैनल पर। तो आज अपन जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री मिठाई के बारे में। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स और हनी मिठाई की तरह यूज़ करते थे दुनिया के कई हिस्सों में। मिठाई अलग अलग गॉड्स के प्रेयर्स में यूज़ करते थे। एंशंट इंडिया, दूसरे एंशंट सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया जो एक हिस्टोरिकल रीजन है वेस्टर्न एशिया में तिग्रिस यूफ्रेट रिवर सिस्टम के पास, जहाँ पे अभी का इराक, कुवैत और थोड़े से हिस्से ईरान, सीरिया और टर्की के भी पाए जाते हैं। लेकिन गन्ने की ही वजह से दुनिया भर में मिठाई का विकास हुआ। इंडिया में गन्ने 500 BC से ही उगाए जा रहे हैं और उसको रिफाइन भी करते थे, लेकिन उसको क्रिस्टल फॉर्म मिला शुगर की शक्ल 500 AD में, जिससे कि दुनिया भर से इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। इंडिया के साथ साथ चाइना भी 600 AD से शुगर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुका था। इंडिया के मिडिल ईस्ट और चाइना में शुगर का अहम यूज हो रहा था मिठाई बनाने के लिए हजारों सालों से। यूरोप में गन्ने और शुगर को बहुत कम ही जानते थे, लेकिन 12th century के बाद से कॉलोनाइजेशन की वजह से इसका इस्तेमाल कई सारे मिठाई में कर रहे थे। लेकिन शुगर बहुत महंगी थी, यूरोप में कहीं अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए वो लोग स्पेशल ओकेशंस में ही यूज़ करते थे। 1381 में एप्पल पाई की रेसिपी पब्लिश करी गई थी और 1828 में एलिजा लेस्लीज की कुक बुक में 75 रेसिपीज थे, जिसमें पेस्ट्रीज, केक्स और स्वीट मीट्स जैसे डिशेस, और इसमें ही फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था कपकेक के बारे में। 1920s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में, फिर बाद में अमेरिका में आने से पैकेज फूड, कैन फूड का इस्तेमाल ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो चुका था और कई डेजर्ट्स का भी मास प्रोडक्शन हो रहा था। तो ये थी शॉर्ट हिस्ट्री मिठाई के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एडवाइस हमें कमेंट के जरिए से बताएं। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।